الفرقان الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الليل الرجيم. ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في العرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغزز من صوتك إن أنقر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العلي العظيم. आपकी इबादत को कबूल फरमाए और माह मुबारक के रमजान के इन बाकी मानदा दिनों में इससे बेहतरीन फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। सूरह मुबारक लुकमान और जारी है जनाब लुकमान के एडवाइस, उनकी नसीहतें और उनके मवाइज के जो वो अपने बेटे को कर रहे हैं। और बेटा नाम है बल्कि तमाम नाहलो अबना और लुकमान, क़याम क़यामत तक अच्छी चीज़ें हैं जो इंसान को उसके कमाल, उसकी सक्सेस में हेल्पफुल हैं और मदद देती हैं। और रोंग और बुरी और पस्त चीज़ें इंसान के मर्तबे और इंसान के मकाम को डाउन करती हैं। तो ये हमेशा औलिया इलाही की रविश और सुन्नत और स्टाइल रहा है कि हमेशा उन्होंने अपनी ज़ात पे फोकस नहीं किया, जहां वो माल और सरबत में सेल्फिश नहीं थे और हर किसी के साथ मिल बांट के खाते थे, वहां खुल को इखलाक और सिफात हसना और रुश्द और हिदायत और तरबियत में भी सेल्फिश नहीं थे, जहाँ वो खुद एक मकाम और मंजिल पे पहुँच गए और उन्होंने दुनिया की पस्ती हकारत और कम चीज़ी को देख लिया, वहाँ उन्होंने अल्लाह के और बंदों के साथ उस इल्म और हिदायत को भी शेयर किया। कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फजल किया कि उसने इल्म और हिदायत हमें अता की। तो आओ बजाय इसके कि इस इल्म और हिदायत को हम अकेले रखें, नहीं, इसको मिल बांट के आपस में शेयर करते हैं। जिस मकाम पर हम पहुँचे हैं वहाँ हम सेल्फिश नहीं होते, हम चाहते हैं आपको भी उसी मकाम पर लेके जाएं। इसलिए आप सूरह यासीन की आयत की तरफ निगाह करें कि जब दो नबी आए और उन्होंने एक आम से वो गेट लिया या चरवाहा के जो गोट एंड शीप ले जाता था माउंटेंस की तरफ, और उसको उन्होंने लिया तो उसको समझाया और हिदायत की तो हिदायत याफ्ता हो गया। और फिर उसने जब कहा कौम से कि तुम ठीक हो जाओ, पहले उन्होंने दो नबियों को मार डाला, फिर इस बेचारे को जिसने नबियों की नबूवत को एक्सेप्ट किया था इसको भी कत्ल कर डाला। अच्छा, फिर जब इसको मारा तो कुरान की आयत कहती है कि जब खुदावंद मुताल ने अर्ज को आप खिदमत में उससे कहा सूरह यासीन के अंदर कि तुम जन्नत में चले जाओ, तो वो यूं कह रहा था कि मैं अकेला जन्नत में कैसे जा सकता हूँ। और रिवायत यूं यहाँ पर आय मजीदा में यूं आया है कि यूं उसने कहा कि परवरदिगार आए काश कि मेरी कौम जो है वो जान लेती और देखती कि खुदावंद मुताल ने मुझे क्या क्या कुछ जो है वो अता नहीं किया। हाँ, यूं है कि लदखुलिल जन्ना, दो नबियों ने उसे एडवाइस की और वो ठीक हो गया। जब वो ठीक हुआ तो फिर वो लोगों को बोलने लगा ये तो हमसे कुछ लेते नहीं है, इनकी बात को मानो ना। उन्होंने उसको भी माना। तो सूरह यासीन वर्स नंबर खिदमत में 26 में इसे कत्ल किया, तो जन्नत उस सिनेरियो को, यानी आयत उस सिनेरियो को यूं बयान कर रही है कि लदखुलिल जन्ना, जा भाई तेरा इंतजार कर रही है। अच्छा, मोमिन की एक सिफत होती है कि मोमिन खुशी में अच्छी चीज को अकेला सर्व नहीं करता, वो अपने दोस्तों को याद करने लगता है, औलाद को याद करने लगता है, मोमिनीन को याद करने लगता है, यार ये इतना अच्छा है, काश वो भी होता, वो भी होता, वो भी होता। लेकिन एक सेल्फिश इंसान की क्वालिटी ये है कि वो कहते हैं कोई भी ना हो, बस मैं अकेला बैठूं, अकेला ये सारी चीजें मेरे पास हों, अकेला मेरे पास ये पावर हो, अकेला मेरे पास ये कुदरत हो। फरमाया कि लदखुलिल जन्नत, जन्नत में जाओ। तो फिर क्या जवाब दिया, काला या लैतकुम यालमून, ऐ काश मेरी कौम जान लेती, ऐ काश मेरी कौम अंबिया की एडवाइस को सुन लेती, काश हक के रास्ते को चुन लेती, काश वो नूर जो नजर आ रहा था उस पर अमल कर लेती। किस चीज में, बिमा गफर अली रब्बी, मेरे रब ने मुझे माफ कर दिया है, उन्हें भी माफ कर देगा परवरदिगार, वजअलनी मिनल मुकरमीन, और मुझे साहिबान इज्जत में से करार दिया है। ऐसा नहीं है मुझे बहिष्ट के उस मकाम पर रखा है जहाँ इज्जतदार बैठे हुए हैं, साहिब शरफ बैठे हुए हैं। तो अर्ज करो आपकी खिदमत में, ये अंबिया और औलिया का शेवा रहा है कि वो हमेशा जो है वो खैर की तरफ दावत देते हैं और दूसरों को भी खैर की तरफ जो है वो लेकर आते हैं। तो यहाँ पर आए मजीदा जो है वो हजरत लुकमान के एडवाइस पे शुरू हो रही है,
बात उसी को उसकी इदामा चल रहा है। फरमाया वरा किस्सा अल हदक लिलनास, ऐ मेरे प्यारे बेटे ये एक बुरी चीज है जो मैं अभी तुम्हें बताने लगा हूँ, ये तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए। पीछे तीन चार अच्छी चीजें बयान की थी, या बुनैया अकिम सलात, ऐ मेरा बेटा नमाज को कायम करना है, वामुर बिल मारूफ अमर बिल मारूफ करना है, वनहा अनिल मुनकर और मुनकर से लोगों को रोकना है, वस्बिर अला मा असाबक और सब्र करना है। जिंदगी तो खटन चीजों का नाम है, जिंदगी सख्तियों का नाम है, जिंदगी मुसीबतों का नाम है, दर्द को झीलने का नाम है। अगर वहीं पर इंसान शोर मचाने लगेगा खुद का नुकसान करेगा, किसी का नुकसान नहीं करता, बल्कि सब्र करे ताकि फिर वो गम और मुसीबत मुसीबत न लगे, वो दर्द दर्द न लगे। सब्र एक ऐसी क्वालिटी है कि जो दुख की उस परसेंटेज को कम कर देती है, तकलीफ और दर्द को कम। दर्द है तो वो तो होगा, मुसीबत जो आई है वो फील होगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इंसान अगर सब्र करेगा वो कम पड़ जाती है। और अगर इंसान बेसब्री करेगा एक उस मुसीबत का, दर मासूम यूं फरमाते हैं कि मुसीबत में बेसब्री मुसीबत को दुगना कर देती है, एक खुद वो मुसीबत और दूसरा ये टेंशन ले लेना और दूसरा बेसब्री करना, तो दो चीजें जो है वो मिक्स हो जाती हैं। वहां पॉजिटिव एडवाइस थी थ्री टाइप की, नमाज अमर बिल मारूफ और नहीं मुनकर और सब्र। यहां तीन चार किस्म की नेगेटिव एडवाइस की जा रही है, इनसे बचना। पहली आयत पॉजिटिव एडवाइस की थी, ले आना है लाइफ के अंदर, क्योंकि इंसान की लाइफ दो लाइन में चलती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को लाइफ में ले आना है और नेगेटिव से दूर रहना है। इसलिए आप आए देखें जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो दो टाइप की वायर होती है, एक ब्लू होती है और एक रेड होती है, तो दोनों आवाजों से जब वो मिलती है तब जाकर आपको वो नतीजा और रिजल्ट मिलता है। कतन ऐसा नहीं है, डॉक्टर भी जब मरीज को मेडिसिन देता है तो साथ में कहते हैं इसे खाना है और इसे नहीं खाना, तब जाकर तुम्हारी हेल्थ ठीक होगी। कमाल इंसानी में भी यही चीज है, कुछ चीजों को लाइफ में ले आना है और कुछ चीजों से बचना है। अगर आप कुछ चीजें तो ला रहे हैं लेकिन जिनसे बचना है नहीं बच रहे हैं, वो जो लाई जा रही है वो फायदा नहीं पहुंचाएंगे। नमाज तो पढ़ रहा हूं लेकिन तकब्बुर और गुरूर मुझे ले डूबा है, नहीं फायदा, नमाज मुझे कहीं लेके जाएगी। वो जो सलात मेराज और मोमिन है, मेराज उरूज से है, ऊपर की तरफ उठना, मेरा उरूज हुआ या नहीं हुआ, अभी तक मैं मेराज पे हूं, मैं अभी तक भी जमीन के साथ चिमटा हूं। हाँ शर्त यह थी कि साथ में तकब्बुर ना होता, नमाज पढ़ी और गुरूर किया, तकब्बुर किया, ईगो दिखाई, किब्र कोई फायदा नहीं देगी, उससे बचना भी है। फरमाया वला तुसाकर खद्दक लिलनास, ऐ मेरे प्यारे बेटे बेएतनाई के साथ बेरहमती के साथ और इग्नोर करके लोगों को उनसे मुंह मत मोड़ो, अल्लाह के बंदों को इग्नोर मत करो, उनसे मुंह मत मोड़ो। ये बुरी सिफत है कि तुम लोगों को लोग ना समझो, इंसान ना समझो और मुंह मोड़ लो उनसे, ये बुरी बहुत बुरी चीज है मेरे बेटे, इसको अपनी लाइफ से दूर करना। और फिर फरमाया वला तमशी फिल अर्ज़ मरहा, और अल्लाह की जमीन पर गरूर के साथ कदम मत रखना, चलते हुए शो करना, शो ऑफ करना कि मैं फला हूं। हता और माने बड़ी प्यारी मिसाल देखा, उस दौर में तो गाड़ियां वाड़ियां नहीं होती थी, आजकल के दौर में एक बंदा पैदल चलते हुए कभी गरूर दिखाता है, कभी कुछ बेंज और मर्सिडीज पे बैठ के और प्रादो और पता नहीं लैंड क्रूजर पे बैठ के वो भी गरूर दिखाने लगते हैं अल्लाह के मखलूक को। हो सकता है यहाँ काम हो सकता है यहाँ काम हो, लेकिन होता जरूर है, लेकिन बाद जगहों पर आप जाएं जहां ज्यादातर लोग गरीब हों, कुछ लोगों के पास लैंड क्रूजर या इस तरह की चीजें हों, फिर वो बहुत शो ऑफ करने लगते हैं। अरे मेरा बेटा ये चीजें तेरे कमाल में रुकावट हैं, तेरी इंसानियत में रुकावट हैं, जिस मकसद के लिए तुझे दुनिया में भेजा गया उस मकसद तक तुम्हें नहीं पहुंचने देंगे, पीछे रह जाओ, सब लोग आगे निकल जाएंगे। दूसरी एडवाइस, तीसरी एडवाइस, यहाँ यूं कहकर फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, अल्लाह सुब्हान व तआला हर फख्र फरोश और ख्याल ही ख्याल में अपने आप को बड़ा समझने वाले को पसंद नहीं करता, जो बात बात में लोगों के ऊपर प्राउड करता रहे, फख्र करता है, तेरे पास क्या है, तेरे पास ये है, तेरे पास ये चीज नहीं, मेरे को खुदा को ये चीज पसंद नहीं है। चलते हैं इसके तफसीली नुकात की तरफ, इस आयत मजीदा के, कि ये आयत मजीदा हमें क्या मैसेज दे रही है और क्या पैगाम इसके अंदर मौजूद है। फरमाया तो सअर सअर से है, स्वाद आइन और रा, सअर एक बीमारी है कि जो कैमल को लगती है, ऊंट को, उस बीमारी के लगने से उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है, गर्दन टेढ़ी हो जाती है, तो वो थोड़ा गर्दन टेढ़ी करके चलता है, यानी एक नॉर्मल हालत में नहीं, क्योंकि यहां पर आ रहा है कि अपनी गर्दन को जो है अपने चेहरे को टेढ़ा मत करना, उसे मुंह मत फेरना, क्योंकि बेचारे कैमल का मुंह फिर जाता है उस बीमारी की वजह से। कभी कभी आप देखते हैं वो जा रहे हैं सीधा, आगे से एक बंदा आ रहा था और वो बेचारा पूछता कि इसको मिलूंगा, इसने जाना मुंह को ही लगा दिया और पास हो गया,
यानी गोया हजरत लुकमान बेटे को यह बयान फरमा रहे हैं कि आए मेरे बेटे, तकब्बुर के साथ वो ऊंट वाली बीमारी और कैमल वाली बीमारी तुझे ना लग जाए। वो तो बेचारा बीमार होता है तब उसकी गर्दन इस तरफ हो जाती है, और तू गुरूर की वजह से और तकब्बुर की वजह से गर्दन को मत मोड़ना अल्लाह के बंदे से। ये चीज बहुत बुरी है। कुछ चीजें इंसान के बस में हैं, वो इंसान ले आ सकता है। मैं लोगों की बहुत हेल्प नहीं कर सकता हूं अपनी इस्तेताअत के अनुमान से, लेकिन कम से कम सलाम दुआ और हम्बलनेस और तवाज़ु तो मैं दिखा सकता हूं, वो तो मेरे बस में है, या उसमें भी मुझे जो है ये चीज जो है वो यहां पर अर्ज कुरान खिदमत में फरमाया अल इब्रुल मस्कूर, ये जो तो सब एराया है उस ऊंट के, जो ऊंट बीमार हो चुका हो बेचारा, तो गर्दन उसकी झुकी हुई होती है, मुंह टेढ़ा होता है उसका, फरमाया है मेरे बेटे ये काम जो है वो न करना। अच्छा, आप कहते हैं कि ये जो मुंह मोड़ लेना होता है लोगों से लाजिम नहीं है गुरूर और तकब्बुर की वजह से। दो रीजन हो सकते हैं मुंह मोड़ने के, एक दफा जो है वो ये ईगो गुरूर और तकब्बुर, और एक दफा नाराजगी, मतलब किसी से हम नाराज हो जाते हैं दिल में ले बैठते हैं उसकी बात को। तो दो रीजन हो सकते हैं लोगों से मुंह मोड़ने के, एक वो ये गुरूर और तकब्बुर जैसा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। लेकिन बुजुर्गान दीन को जब भी कोई कमाल मिला है, कोई क्वालिटी अल्लाह सुब्हानहू तआला से उनके वजूद में आई है, उनकी तवाज़ु में इजाफा हुआ है, ना कि कम। ये औलिया इलाही और मोमिनीन वाकई जो है उनकी ये सिफत है, जब भी वो कुछ नहीं थे और कुछ हुए हैं तो उसके बाद उन्होंने उसको रॉन्ग यूज नहीं किया, उसको मिस यूज नहीं किया, बल्कि उसको बेहतरीन हालत में आकर उस सिफत को, उस चीज को, उस क्वालिटी को जो है वो इस्तेमाल किया। पैगंबर इस्लाम को देखिए, पैगंबर इस्लाम क्या फरमाते थे, फरमाते थे आना सैयद वुल्द आदम, मैं बनी आदम की औलाद का सरदार, बाद अज़ खुदा कायनात में हमारे रसूल से बढ़कर कोई जात नहीं है। लेकिन उसी के बाद फौरन ये कहते थे आना सैयद वुल्द आदम वाला फख्र फी, इसमें तो कोई फख्र की बात नहीं है। अजीब है, कायनात की बर्जस्ता तरीन पर्सनैलिटी बाद अज़ खुदा कोई है ही नहीं उन जैसा, वो खालिक है और मखलूक में फिर रसूल खुदा, लेकिन उसके बाद कह रहे वाला फख्र, इसमें तो कोई फख्र नहीं है कि मैं तमाम बनी आदम का सरदार हूं, तमाम अंबिया और औलिया का सरदार, इसमें तो कोई फख्र नहीं है। फख्र किस चीज में है, हाँ वो अमल और किरदार और इंसान के अच्छे इखलाक के साथ है। फिर इसमें फिर आगे चल के फरमाते हैं इलाही, अक्सर ये दुआ को भी पढ़ते रहते हैं इलाही मा बिना मिन नेमतिन फमीन, ऐ परवरदिगार कोई भी नेमत वो माल की सूरत में हो, वो पोस्ट की सूरत में हो, वो किसी भी सूरत में हो, फमीन तेरी तरफ से है ना, मैं तो खालम खाली पैदा हुआ था, मैं तो जब माँ के शिकम से बाहर निकला था। ला कुरान मजीद की आयत भी इसी चीज को जब आज कौन खत्म बयान करे वह अखराजा मिन बुतून उम्महातिकुम, हमने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों से निकाला, किस हालत में ला तअलमून शैया, कुछ पता ही नहीं था तुम्हें किसी चीज का, तुम्हारी हालत तो ये थी भूख से होते थे तो भी रोते थे, प्यास लगती थी तो भी रोते थे, रोने के अलावा तो तुम्हें कुछ आता नहीं था, रो रो के तुम बड़े हुए हो, और आज एक क्वालिटी हमने दी और तुम मेरे बंदों से मुंह मोड़ने लग गए। अजीब एडवाइस है हजरत लुकमान के अपने बेटे को, क्योंकि ये चीज इंसान को जमीन के साथ जो है वो लगा देती है, इंसान को कभी ऊपर जो है वो नहीं जाने देती। जैसा कि आज की आप खिदमत में इंसान अगर सोचे और थोड़ी सी दिक्कत करे कि ये जो क्वालिटी उसके अंदर आई है ये उसकी जाती नहीं है, यानी ये चीज उसकी उसकी अपनी वजह से नहीं है, बल्कि अल्लाह सुब्हानहु तआला ने उसको अता किया। हाँ, फकत ज़ात खुदा है जिसकी क्वालिटी उसकी अपनी है। कभी आपने देखा है जब जनाजा उठ रहा होता है, एक ऐलान होता है कि प्रोफेसर साहब दुनिया से चले गए, मौलाना दुनिया से चला गया है, फलां बिजनेसमैन दुनिया से चला गया, जी वो इल्म काम गया, वो इधर ही रह गया, वो बिजनेस तिजारत वो इधर ही, सब कुछ इधर ही पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि उसका जाति नहीं है। अगर उसका अपना कर उसका होता और वो लाया होता साथ में तो साथ लेके जाता ना, जो था वो ले जाता है। इसलिए तो बुजुर्ग बड़ी प्यारी मिसाल देते थे उर्दू जबान में, वो कहते थे जब किसी के पास जाए ना और पैसे की वजह से वो किसी को कुछ न कहे तो वो कहते थे भाई जान देख लो, हमने अब तक ये सुना है कफन की जेबें नहीं होती, अब आप अपने साथ लेके जाओगे क्या, कभी देखा है किसी की कफन की जेबें लगी हुई हो, नहीं इधर ही छोड़ के जाना है। तो इन चीजों की वजह से मत वो करो, ये जो चीजें फिर तुम्हें आखिरत में तुम्हारे लिए जो है वो मुश्किल साज बन जाए। फरमाया कि इंसान के अंदर जो भी क्वालिटी है उस क्वालिटी से पहले एक और चीज है, इल्म की क्वालिटी अगर हमारे अंदर आई है तो उससे पहले जहल है, ला तअलमून शैया कुछ भी नहीं है। माल की क्वालिटी अगर हमारे पास आई है
मेरे सर्वत की, तो उससे पहले फक्र है हमारे पास। अगर पावर हमारे अंदर आ गई है तो उससे पहले जोफ है हमारे अंदर। हर एक चीज से पहले एक और चीज है, हाँ फकत जात इला है जो आलम मिन जात ही है, जिसका इल्म था है और रहेगा, जिसके पास कुदरत थी है और रहेगी, जिसके पास पावर है उस सारी चीज का वो मालिक है। बंदा अगर थोड़ी सी तवज्जो कर ले तो इंसान के लिए चीजें जो है वो बहुत आसान हो जाती हैं। तो एक रीजन जैसा कि मैंने आपके साथ प्रयास किया वो है गुरूर तकब्बुर की वजह से इंसान मुंह मोड़। दूसरा रीजन फरमाया वो नाराजगी हो सकती है, किसी ने आपको कुछ बोला आप नाराज हो गए, नाराज हुए तो आपको सामने आता है मुंह मोड़ जाते, चलो छोड़ इससे बात ही नहीं कर, हाँ ऐसा ना करो। हमारे उस्ताद बड़ी प्यारी मिसाल देते थे, मतलब तफसीर में भी देख रहा था ये जुमला मिलता है इतना नासिर मकारम शिराजी का भी दूसरे बुजुर्गान का, वो कहते हैं इंसान की जिंदगी इतनी कम है 60-70-80 का, इतनी कम लाइफ में असल नाराजगी बनती नहीं है कि इंसान 4 साल 5 साल किसी से ना बोले। तो मैं टोटल 60 ईयर 15 तक तो बालिग नहीं हुआ था, अब 15 के बाद बालिग हुआ हूँ, 6 साल 10 साल किसी से बोल नहीं रहा, क्या इतनी छोटी लाइफ में नाराजगी जो है वो क्या कहते हैं ऑब्जर्व नहीं करती है, नाराजगी नहीं आती है कि आप नाराजगी को लेकर आए। हाँ बाबा मैं नहीं बोलता बहन के साथ जी, वो अगर उस जगह दावत पे आएगा मैं नहीं आऊंगा, हत्ता अभी तो हमने हाँ वो मेरा भाई वो वाला भाई आ गया मैं नहीं आऊंगा खाने, वो खाला आई मैं नहीं आऊंगा, क्या मतलब बुलाने वाला एक थर्ड बंदा है और तुम जो है ऐसी बातें कर रहे हो। तो फरमाया क्यों ना करे, बल्कि बेहतरीन जो राय हल दिया है रिवायात के अंदर, फरमाया अगर तुम चाहते हो ना एक सोशल लाइफ गुजारो लोगों के अंदर और अच्छे तरीके से गुजर जाओ दुनिया के अंदर, तो फिर यूं रिवायत के अंदर जुमला है फरमाया मिकियाल मुआशरा, मिकियाल मीजान को कहते हैं, मिकियाल मुआशरा नास अत्तगाफुल अत्तगाफुल, फरमाया कि लोगों के साथ 67% 3 हिस्से उसके, लोगों की बातों में तगाफुल करो, तगाफुल ये नहीं एक होता है गफलत नहीं जानता, तगाफुल पता है लेकिन सुनी ना सुनी करना दूसरे लोगों, किसी ने एक बात छोड़ छोड़ इसकी खैर, किसी ने आपको अहमियत नहीं दी छोड़ छोड़ इसकी खैर, ये क्यों उसको लेके चले ना कि आप बैठ जाओ जिद बनाकर अब बोलना नहीं है अब देखना नहीं है बस ठीक है आप अपनी जिंदगी की तरफ चलो उसको चलने दो, लेकिन तगाफुल करोगे तो फायदा होगा। और उसका 1/3 फकत, 1/3 के बारे में सुल्स अत्तफत्तुर, सुल्स में फकत हाँ थोड़ा जो है उसको समझाने के लिए थोड़ा बताने के लिए कि तुमने ये ठीक नहीं किया था ये यूं है ऐसा है, बाकी 67% आप 33 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 67% उसके 3 हिस्से आप तगाफुल करो, तब जाकर जिंदगी जो है वो आसानी से गुजर जाएगी। और कुरान ने बड़ा प्यारा पैगंबर को दिया है, मेरा हबीब तुझे बहुत सताते हैं, माऊजिया नबी उजी, फरमाया किसी नबी को इतनी अजियत नहीं दी गई माऊजी जितनी मुझे तकलीफ दी गई, मुझे मेरी औलाद को भी तकलीफ दी गई है, मुझे भी तकलीफ दी गई, कम उसी से मिली, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी और चेहरे पे पत्थर मारे जाए, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी और बदन पे पत्थर क्या क्या फेंका जाए, दंदान शहीद किए जाए, खून बहने लगे, इसके बावजूद भी क्या है अल्लाह सुब्हान व तआला ने आयत को भेजा खुज़ अफ, ऐ मेरा हबीब बस माफ कर देना, अफ को ले ले माफी को ले ले करने दे, वो नहीं समझते हैं कर देते हैं, खुज़ अफ व अमुर बिल उर्फ, 3 बेहतरीन एडवाइस दिए हैं अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपने हबीब को और ये हमारे लिए भी है, बस माफ कर देना चाहिए इंसान को और खैर की बात और खैर का ऑर्डर हुक्म देना चाहिए। व अलज़ानिल जाहिलीन, कुछ लोग न जानते हुए ऐसा सब कुछ करते हैं, बस पास हो जाओ पास हो जाओ, रुको मत बात को लंबा मत करो गुजर जाओ, बस नहीं पता गुजर जाओ इसको छोड़ दो। फरमाया दोनों का क्या फायदा होता है, जब इंसान अफ और तगाफुल को लेके आता है यानी सुनी न सुनी करना किसी चीज को, मसलन घर में वाइफ हस्बैंड का कुछ हो गया वो किसी बात को खामा में लेके बैठ गए, अब आपने देखा कि उसने कुछ कह दिया सुनी न सुनी कर दो ना लाइफ आगे चले, अगर आप बहुत पकड़ के बैठ जाओगे तो कभी आगे नहीं चल सकोगे मसला बन जाएगा। तो फरमाया इसका फायदा ये होता है कि दिल से हसद कम हो जाता है, कीना खत्म हो जाता है, बोझ खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आप कहोगे नहीं उसने ये किया था मैं अब तो कयामत अब तो कयामत अब नहीं माफ करने को, मैंने कई मोमिनीन से कहा छोड़ दो ना, नहीं मौलाना मुझसे माफ नहीं हो सकता, पता नहीं मैं कैसे कयामत में अल्लाह से कहूंगा खुदा मुझे माफ कर, मैं कैसे कब्र में कहूंगा खुदा मुझे माफ कर, पहला जवाब यही आएगा तू दुनिया में इतना वो हो गया था तू मेरे बंदे को माफ नहीं कर रहा था मुझे माफी का तकाजा करता है, नहीं खुज़ रसूल के लिए आयत नाज़िल नहीं हुई है खुदा की कसम हमारे लिए नाज़िल हुई है, रसूल तो सरापा आफ हैं उनका वजूद आपको बख्शिश है वो तो खानदान आपको बख्शिश में है।
उनका तो हुसैन भी शिवर मरहूम से कह रहा था तू मेरे खून में हाथ लगा। वो तो उस वक्त भी लम्हों पे कह रहा था इलाही मेरे नानी की उम्मत नहीं जानती मेरे साथ क्या कर रही। ये तो खानदान खानदान है आपको बख्शिश हमें पैगंबर के थ्रू हमें बताया जा रहा है कि ये सब तुम है वो तुमने करना है। ये एक हिस्सा। अब यहां पर एक चीज और बहुत जरूरी है वो जो आज करना जरूरी है। फरमाया वला तुसाकिर खद्दक लिन्नास, लोगों से तकब्बुर गुरूर और ईगो की वजह से मुंह मत मोड़ो। और एक चीज और भी बड़ी जरूरी है जो कि इस आयत में डिस्कस नहीं हुई है लेकिन रिवायात में आई है, वो क्या है? वला तुजल्लिल खद्दक लिन्नास, लोगों के सामने अपने आप को जलील भी मत करो, अपने आप को इतना पस्त मत कर दो कि वो समझे कि यार ये तो जलील है छोड़ो इसको। हर हर पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी आप खुदा ने आपको ताकत दी है, कुव्वत दी है, पावर दी है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खुद कोशिश करो आगे लाने की। इस तरह न करो कि लोगों के नजदीक जलील हो जाओ। या इसी तरीके से लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं और आप बार बार ऐसा कर रहे हैं कि जी मैं आपके साथ नहीं, यहां पर कहा नहीं, बस खत्म, बस एक हद तक रखो। हाँ, आप तकब्बुर मत दिखाओ, आप गुरूर मत दिखाओ, तो जलील मत करो अपने आप को किसी के सामने। जो इज्जत हमने रात की पूरी मजलिस इज्जत पे पढ़ी, इज्जत नफ्स पे पढ़ी, सेल्फ रिस्पेक्ट पे पढ़ी, वो यही चीज थी कि अपने आप को जलील मत करो किसी के सामने। कभी कभी हम देखते हैं छोटी छोटी चीजों की खातिर लोग जलील कर रहे हैं दूसरे के सामने, दूसरे ये चीज बहुत बुरी है। मुंह मोड़ना भी नहीं है और इतना, यानी वहां पर दोनों चीजों को बीच में रहना है, बीच में रहना है, एक बैलेंस लाइफ रखनी है। ना बिल्कुल मुंह मोड़ लो और ना बिल्कुल अपने आप को जमीन पर गिरा दो। नहीं, खुदा ने जो इज्जत तुम्हें दी है उस इज्जत का ख्याल रखो। ये एक चीज थी। दूसरी चीज जिससे रोका गया, वला तंशि फिल अर्ज़ मराहा, आए मेरा बेटा जमीन पर भी गुरूर और तकब्बुर के साथ मत चलो। और इसी के बिल्कुल अपोजिट आयत है सूरह फुरकान के अंदर जहां इबादुर्रहमान की क्वालिटियां बयान की गई हैं। इधर कहा गया सूरह लुकमान के अंदर जमीन पे ऐसे मत चलो कि शो ऑफ कर रहे हो कि तुम जैसा कोई बंदा नहीं है। फरमाया कि सूरह फुरकान में कहा वा इबादुर्रहमान अल्लदीना यमशूना फिल अर्ज़ हौना, और अल्लाह के जो बंदे हैं ना वो जमीन पे जब चलते हैं तो बहुत तवाज़ु से चलते हैं, उनके कंधे झुके हुए होते हैं, उनसे आजी और इंकसारी नजर आ रही है। और ये तवाज़ु ही तो अल्लाह को पसंद है, ये चीज को तो अल्लाह खरीदता है बेहतरीन कीमत के साथ। इस चीज वजह अली जैसा असदुल्लाह व असदुल्लाह गालिब गालिब अला कुल गालिब, जिसने कभी मैदान जंग में किसी को कुछ नहीं दिखाया, उस जैसा कोई शुजा नहीं है, उस जैसा कोई बहादुर और सफदर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आप आए देखें गली से गुजर रहे हैं, यतीम को देखा बैठा हुआ है, आंख से आंसू आए, अली उसके साथ खाक पर बैठ गया, आंसू को साफ करने लगा, सर का बोसा देने लगा। यूं होना चाहिए तवाज़ु और पैगंबर की ज़ात के साथ भी, इसी तरह से जो है वो ये चीज जरूरी। आप आए फर्श पे सुजूद की तरफ निगाह करें, क्योंकि ईगो तकब्बुर के बिल्कुल मुकाबले में हम्बलनेस और तवाज़ु आती है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पांच नमाजों के अंदर 34 टाइम सजदे को वाजिब किया है। एवरी रकत हैव अ टू सजदा, 34 सजदे रखें, खाक पे जब पेशानी को रखेगा गुरूर खत्म हो जाएगा। अल्लाह को क्या जरूरत है जी, तकब्बुर खत्म हो जाएगा। मैं ये हूं, इंसान की बॉडी का सबसे बेस्ट हिस्सा पेशानी और हेड है इंसान का, इसको जब खाक पे रखता है तो फिर वहां पर वो कहते मैं कुछ नहीं हूं। एक दूसरा आप आ जाए और आप निगाह करें, फरमाया तवाज़ु जो है गर्चे तमाम लोगों के साथ इंसान हम्बल रहे, तमाम लोगों के साथ मुतवाज़े रहे, जितने भी हद तक नन मुस्लिम भी क्यों हमें काफिर के साथ ईगो दिखाने लगे, नहीं, जब तक कि वो तकब्बुर नहीं दिखा रहे। तकब्बुर मान मुतकब्बिर जायज, जैसे कि अभी इसराइल होता है और ये बाकी अमरीका और यहाँ कर मुसलमानों के ऊपर तकब्बुर, हम बड़े वहां पर खड़े हुए उनके सामने, वहां उनके सामने उसी तरह से पेश हो गए इसलिए। लेकिन अगर एक आम क्रिश्चियन है बेचारा, ठीक है आम चल गुरूर दिखाने लगे उसके सामने अपने माल का दौलत का पोस्ट, नहीं पर इंसान हाँ अल्लाह के बंदे बोलो क्या करें। ये तवाज़ो और इंकसारी बढ़ती चली जाती है। आम इंसान के सामने बहुत नहीं झुक जान तो जरूरत नहीं है कि वो आप उसके हाथ चूम रहे हो ना, लेकिन वालिदैन हाँ मरतबा चुका है, वहां उनके हाथों का बोसा लो, होता उसके पाँव का भी बोसा लेना चाहो तो भी ले सकते हो, एहतराम की खातिर, वो माँ बाप है, वहां झुकना जरूर। बारगाह इमामत में सर खम करना जो इज्जत का बायस है, बारगाह रिसालत में ये चीजें जो है, और इसी तरह अपने उस्ताद के सामने फुकहा वहां इंसान दिखाए, वो साहिब इल्म हो साहिब फजीलत है, वहां कोई मसला नहीं। लेकिन हर इंसान का नहीं, तवाज़ु हो लेकिन बहुत भी कुर्निश और वो गिराव नहीं होना चाहिए इंसान के। ये एक चीज फरमाया कि इंसान अगर थोड़ा सा गौर करे अमीर मोमिनीन के इस जुमले की तरफ कि अव्वलुहु नुत्फतुन वा आखिरुहु जीफा, पाप खत्म हो जाती है।
इंसान अपनी बिगिनिंग और इब्तदा को देखे और अपनी एंडिंग को देखे तो बीच वाला सफर तकब्बुर पैदा ही नहीं करता है, तकब्बुर माना भी नहीं आता है। वाला तमश फिर रहा, कुरान ने इस चीज से रोका है। फरमाया कि जमीन पर ऐसे चलने से जमीन में कोई सुराख हो जाएगा क्या तुम्हारे चलने से, और ऐसे गर्दन ऊंची करके चलने से तुम पहाड़ों से ऊंचे हो जाओगे, खुद नीचे रहोगे, तुम इतना कुछ जो है वो नहीं कर सकते हो। फरमाया कि जब भी, अजीब रिवायत है, जब भी कोई बंदा जमीन पर तकब्बुर के साथ चलता है, अल अर्ज़ु वमा फीहा, जमीन और जो कुछ जमीन के ऊपर मौजूद है सब इस बंदे पे लानत करते हैं, सब इस बंदे पे लानत करते हैं। ना केवल जमीन, खुदावंद ने ताला हमें इन चीजों से जो है वो बचाया। पैगंबर सलाम गुजर रहे थे, देखा एक बंदा जमीन पे गिरा हुआ है, लोग ने सर करने गिरा हुआ, कहा क्या हुआ है, खैर तो है, कौन है? फरमाया या रसूल अल्लाह हुआ मजनून, पागल है। पैगंबर गरीब गए, देखा हलाला, ये मजनून नहीं है, हुआ मुब्तला, बीमार है बेचारा। अला उखबिरुकुम, मैं तुम्हें बताऊं मजनून कौन है? हां या रसूल अल्लाह, बताओ मजनून कौन है? फरमाया मजनून वो है जो जमीन पे चले और इंसान को इंसान न समझे, जो गुरूर, ये मजनून है असल, पागल तो ये है जो जिसके पास अपना कुछ भी नहीं है और फिर ये ख्याल किए बैठा है। और फिर फरमाया कि ज़ात पैगंबर में बहुत सारी चीजें आई हैं, जमीन पे बैठते थे, आने वाला पूछता था अय्युकुम रसूलुल्लाह, तुम में रसूल खुदा कौन है? इतनी बड़ी ज़ात होने के बावजूद इंशाल्लाह बाद में हत्ता इमाम हज्जुम के बारे में मिलता है, मौला हमाम में तशरीफ लेके गए, किसी ने कहा आइए मौला मेरी पीठ को थोड़ा साफ कर दीजिए, मैल लगी हुई है, मैल लगी हुई, ये उसको पता नहीं था ये इमाम है, कहा कि प्लीज थोड़ा काम कर दो, मेरी पीठ पे कपड़ा मार दो। इमाम आए, अच्छा इमाम है, कपड़ा जब इमाम मार रहे थे, रिवायत में मिलते बड़े आराम से मार रहे थे, एक एक जगह को इमाम साफ कर रहे थे, इमाम है, लोग आए झुक झुक के सलाम कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। अच्छा वो हैरान हो गया कि ये कौन है, फिर किसी ने उसे बताया खुदा के बंदे तुम्हें पता नहीं है ये इब्न मुसर रजा फरजंद ज़हरा हो रसूल हो अली है, तुम्हें पता नहीं है हुज्जत खुदा फी खल्क, उठा माफी मांग। इमाम ने कहा क्या हो गया तुझे, छोटा सा तो काम बताया था तो मैं कर रहा था तेरा, और फिर बाद लोगों को बता रहा था इतने प्यार से मेरे बदन को साफ कर रहे थे जैसे कि कोई गुलाम अपने आप की खिदमत करता है, यूं नहीं था कि चलो चलो जल्दी से बस मार निकलो, देखो इस बंदे को यूं कर दिया मेरे साथ, कुर्बान जाऊं ऐसे इखलाक, कुर्बान जाऊं ऐसी तरबियत पे जो हमारी के। और ये हस्तियां हैं जो इस इन्हीं आयात का प्रैक्टिकल वजूद है, इन आयात ने ये कहा और इन 14 ने जो मेरे लीडर बन के आए, हमारे लीडर बन के आए, उनको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करके हमें दिखाया, और हमें दिखाया कि इससे जो है वो कुछ नहीं होता। अच्छा आखिरी जुमला जो है वो मुख्ताल कलब जो है कि खुदा पसंद नहीं करता, कुल मुख्ताल फखूर, हर फखर फरोश और मुख्ताल, मुख्ताल ख्याल से आया है, कहा कि हकीकत में ये जिन चीजों को बेस बना के ईगो और गुरूर दिखा रहा होता है वो जस्ट ख्याल ही है, वो इसकी अपनी तो है ही नहीं वो चीजें, और वो चीजें इस लायक नहीं है कि इंसानियत पर फखर किया जाए, अल्लाह के बंदों पे फखर किया जाए, वो नहीं थी और आई और फिर चली भी जाएंगी, ऐसी थोड़ी है कि जिनकी बेस बनाकर इंसान में वो फखर करे। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इंशाअल्लाह तौफीक मिली तो कल आने वाली आयात का खुद मतनास करेंगे। दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हम सबको कुरान को पढ़ने समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।